नमस्कार, द फॉलोअप के फेसबुक लाइव में आप तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं रानी सिंह इस इवनिंग बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं और हमारे साथ आज खबरों पर चर्चा करने के लिए सूरज ठाकुर हैं। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, पूरा देश इस दिन को मना रहा है, लेकिन झारखंड में लड़कियां क्या कर रही हैं? झारखंड में क्या लड़कियां इस दिन को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर पा रही हैं, या फिर वो आंदोलन कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, सड़कों पर विरोध कर रही हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सबको मालूम है कि पंचायत सचिव का जो विज्ञापन है वह रद्द कर दिया गया है और उसके बाद से अभ्यर्थी जो हैं आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि बालिका दिवस है इसलिए लड़कियों के लिए स्पेशली इस टॉपिक को उठाया मैंने और इस पर बात कर रही हूँ। सूरज, लड़कियां आंदोलन कर रही हैं, क्या लगता है सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए या ऐसे व्यक्तिगत तौर पर भी देखा जाए तो नहीं लगता कि ये एक बड़ा नुकसान है लड़कियों के लिए? क्योंकि माता पिता ने बहुत मेहनत से लड़कियों को पढ़ाया है, यहाँ तक लड़कियां पढ़ कर आई हैं और अब जाकर 5 साल चूंकि उन्होंने समय दिया और उसके बाद उन्हें वो भी उस नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं जिसे उन्होंने पास कर लिया है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप व्यंग के तौर पर अगर हम कहें तो सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है कि लड़कियां भी बाहर निकलकर सड़कों पर आंदोलन कर रही है और ये झारखंड में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। सरकार इस पर अपनी पीठ थपथपा सकती है, लेकिन सच यही है कि 21 जनवरी से जब से कार्मिक विभाग की तरफ से JSSC को चिट्ठी लिखी गई और ये बात स्पष्ट हुई कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है वो रद्द किया जा सकता है और अब ये लगभग स्पष्ट है कि रद्द हो जाएगा, तो ऐसे में 5 साल की जो मेहनत है, 5 साल का जो इंतजार है वो टूट गया, एक उम्मीद थी टूट गई। आप 2019 में ही रिजल्ट आप फाइनल कर चुके थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कर चुके थे, इसमें 3000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, उसमें एक बड़ी संख्या लड़कियों की है, 1500 से ज्यादा लड़कियां हैं जैसा कि आप बता रही हैं। तो देखिए, एक पहली बात है कि जब हायर एजुकेशन की ही बात आती है, जब एजुकेशन की बात आती है, आज आपने उस पर एक वीडियो स्टोरी भी की, एक रिपोर्ट भी है, कि पहली बात तो है कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों में, जहां तक बात बेटे और बेटी की है, तो बेटों पर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि निजी स्कूल जो कि महंगे हैं वहां बेटों को पढ़ाया जा रहा है, सरकारी स्कूलों में लड़कियों की संख्या है, वहां ड्रॉप आउट भी बहुत ज्यादा है अगर वो जाती भी हैं। ऐसे में लड़कियां पहले तो बात एजुकेशन की है कि उसी के लिए संघर्ष करती हैं, फिर सेकंड लेवल आता है प्रतियोगिता परीक्षा की। आप भले फॉरेन भेज लें कि हमने आदिवासी बच्चियों को उठाकर हमने फॉरेन भेजे, रिसर्च के लिए भेजा है, पर हकीकत यही है कि राजभवन के सामने एक बड़ी संख्या में लड़कियां जो हैं इतनी ठंड, भीषण ठंड में, और आज जब राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, वो बच्चियां सड़क पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रही हैं क्योंकि उनके लिए आखिरी उम्मीद यही थी, क्योंकि उनमें से कई ऐसी हैं जिन्होंने अपनी शादियां टाली हैं। कई स्टोरीज हमने ऐसी की जिसमें वो कह रही हैं कि हमने अपनी शादियां टाली हैं और उम्र बीत गई कि अब हम कोई अप्लाई नहीं कर सकते, तो लड़कों के लिए फिर भी एक अवसर हम कह सकते हैं, उम्मीद उनकी भी टूटी है, पर कह सकते हैं कि तब भी वो अपने आजीविका, अपने रोजगार के लिए, समाज में खड़े होने के लिए, आर्थिक तौर पर खड़े होने के लिए कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेंगे। लेकिन लड़कियों के लिए बिल्कुल जो एक होप है वो खत्म हो गया अगर परीक्षा मतलब स्पष्ट है कि रद्द हो गई। अब जब सरकार ये कह रही है कि नए सिरे से निकालेंगे, विपक्ष कह रहा है हमारी सरकार आएगी तो हम दोबारा मौका देंगे, लेकिन वो दूर की कौड़ी है जिसे हम बचपन में भी बीरबल की खिचड़ी के तौर पर पढ़ चुके हैं। तो सरकार को इस पर गंभीरता से निश्चित तौर पर सोचना होगा कि जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो कितना मुश्किल से समाज से लड़ती हैं, परिवार से लड़ती हैं, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उससे उनको लड़ना पड़ता है, इसके बाद वो एक परीक्षा पास करती हैं सालों की मेहनत के बाद और आज वो सड़क पर हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को सोचना होगा। जी, ये एक सोचने वाला विषय जरूर है कि लड़कियां इतना मेहनत करके आगे आई और अब उसी नौकरी के लिए जद्दोजहद जिसे उन्होंने बाकायदा पास किया है, अच्छे तरीके से, अच्छे नंबरों से जब वो पास हुई हैं उसके बाद यह स्थिति पैदा हुई है। आज राज्य में झारखंड के इतिहास में पहली बार 14 जिलों में राइस मिल का उद्घाटन किया गया है, इससे क्या लगता है किसानों को कितना फायदा होगा या फिर कौन से वो जिले हैं जहां ये खुले हैं, मुख्यमंत्री ने क्या उद्घाटन किया इसका? देखिए, सबसे पहली बात तो जो है आज वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। जो जिलों का नाम है मैं वो पढ़ देता हूं कि ये गढ़वा, पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम है, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो और गोड्डा में राइस मिल का उद्घाटन हुआ है। 14 राइस मिल मतलब एक शिलान्यास हुआ है, ये बनेगा, शिलान्यास का ये मतलब है कि वो बनेगा।
तो देखिए, जहाँ तक बात अगर हम तथ्यों की करें तो झारखंड में 70% आबादी गांव में रहती हैं और वो किसान हैं, वो खेती किसानी करते हैं। इसके अलावा झारखंड की जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर ज़्यादातर धान की खेती होती है और दलहन की खेती होती है। तो पिछले कुछ सालों में जिस तरह से हमने देखा है कि तकनीकी अगर गड़बड़ हुई और धान खरीदने में या दलहन खरीदने में देरी हुई, या कई बार खरीदा गया और उन्हें सरकारी गोदामों में रखा गया, तो एक तरह से ये कहें कि वहाँ पड़े पड़े सड़ जाने की तस्वीरें हमने देखी हैं, बारिश में फसलें खराब हो जाने की तस्वीरें हमने देखी हैं। इसके अलावा पिछले कुछ 1-2 सालों में हमने देखा है कि धान क्रय जो होता है उसकी कीमत अदा करने में लेट लतीफी जो हो रही है, उसको लेकर एक मतलब वो सियासत का एक मुद्दा बनता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इन राइस मिल के खुलने से, उन्होंने कहा कि हालांकि जरूरत जो है वो कम से कम 100 राइस मिलों की है, पर फिलहाल एक इनिशिएटिव है जो हम ले रहे हैं कि हम 14 का शिलान्यास कर रहे हैं, ये बनने जा रहा है। तो एक तो होगा कि जो किसान हैं उनको अपने फसलों को बेचने में आसानी होगी, आसानी इन द सेंस कि वो फसलों को सुरक्षित रख पाएंगे। जब आप सुरक्षित रख पाएंगे तभी सही कीमत पर उसको बेच पाएंगे। तो निश्चित तौर पर जब आपकी 70% जो आबादी है वो कृषि गत अर्थव्यवस्था में लगी हो और उस आपकी अर्थव्यवस्था का 70% हिस्सा अगर कृषि से आ रहा हो, तो ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए, पहले ही लिया जाना चाहिए था, पर कोई नहीं, अब लिया गया है। और अगर ये जिस तरह से सोच रही है सरकार, उसी तरह से अगर धरातल पर इसको उतार भी पाती है, तो निश्चित रूप से झारखंड के जो किसान हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। जी, मतलब कहीं ना कहीं इसका फायदा देखने को मिलेगा किसानों के लिए। 7वीं से लेकर जीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था वो पूरी तरह से विवादित ही रहा, क्योंकि कई धांधली के आरोप लगे, कई तरह की इस पे याचिका जो है दाखिल की गई। एक याचिका दाखिल की गई थी आरक्षण को लेकर, उस पर आज सुनवाई हुई और उसके बाद जेपीएससी ने कोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा है और कई सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने जेपीएससी से पूछा है कि 7वीं जेपीएससी परीक्षा में कितने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी से सिलेक्ट हुए, 7वीं जेपीएससी की परीक्षा में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें थी, और एक अहम सवाल पूछा गया है, प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया या नहीं। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और किस तरह से इसे देखते हैं आप? देखिए, झारखंड में कई मसलों पर आरक्षण की बात आती है जब नियोजन नीति बनती है। पहले जो विवाद चला आ रहा था, जिसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया गया कि अनुसूचित जिले गैर अनुसूचित जिले का बाहरी और भीतरी का एक मसला है। इसके अलावा झारखंड में ही जो अलग अलग जनजातियां हैं उनके आरक्षण को लेकर है, फिर दिव्यांग हैं, महिलाएं हैं उनके आरक्षण को लेकर है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसके आरक्षण को लेकर, तो ये मुद्दा हमेशा रहता है कि उसको स्पष्ट कीजिए, क्योंकि जो 6ठी जेपीएससी है उसमें भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर वहां पर रिजल्ट फंसा, जहां पर हाईकोर्ट ने उसको रद्द करके दोबारा करने का दिया, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर भी विवाद था, और इस बार भी वो विवाद है जब पीटी परीक्षा, 7वीं पीटी परीक्षा हुई। तो धांधली की जो आरोप लगे हैं, जिस तरह की गड़बड़ियों का आरोप लगा, इसके अलावा जो आरक्षण का मसला है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, उस ख्याल से भी ज्यादा जहां पर जो अनुसूचित जाति और जनजातियों की संख्या जहां पर बहुत ज्यादा है, कई तरह की जनजातियां झारखंड में आप जानती हैं, संताल हो, मुंडा, इसके अलावा पहाड़िया जनजाति के लोग हैं, इसके अलावा पिछड़ी जाति के लोग झारखंड में बहुत बड़ी संख्या में हैं। इसके अलावा एक चीज जो स्पष्ट अब तक नहीं हो पा रही है कि हम किसको बाहरी कहें, किसे हम स्थानीय कहें, वो नहीं हो पा रही है, सरकार के ही विधायक सवाल उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो हाईकोर्ट में जो मामला गया, तो हाईकोर्ट ने ये सवाल पूछा है आज की सुनवाई में, और फिर जो अगली डेट होगी उसमें सरकार को उपस्थित होकर, सरकार के जो भी महाधिवक्ता होते हैं या उनके पक्ष से कोई भी, उन्हें स्पष्ट होकर या आयोग की तरफ से लोगों को जाकर ये जवाब हाईकोर्ट में देना होगा। जो भी सवाल है, सवाल यही कि 7वीं जेपीएससी परीक्षा में कितनी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, कितनी सामान्य श्रेणी के हुए हैं, मुख्य परीक्षा में आरक्षण का क्या मसला है, इन तमाम बातों पर सरकार को जरूर जवाब देना होगा, ताकि चीजें स्पष्ट हो और जो रिजल्ट है वो फेयर तरीके से परिणाम जो है घोषित हो, फिर वो जो एक 6ठी जेपीएससी का मसला जो अब अटका हुआ है वही 7वीं या 9वीं या 10वीं जेपीएससी में ना हो। क्योंकि इसका इसकी एक वजह यह भी है कि जो अब सिविल सोसाइटीज पर जो संज्ञान ले रही है या जहाँ छात्रों का विरोध है, क्योंकि जब भी कोई सरकार आती है तो सारी बातों के अलावा
वादों घोषणाओं के अलावा हर सरकार का ये वादा जरूर रहता है कि हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। तो जब सुशासन की आप बात करते हैं तो आप जानते हैं कि अगर आप एक एक बड़ी फैक्ट्री स्टेट को मान लें तो आपकी मशीनरी जो है वो आपका ब्यूरोक्रेसी है, और जो इसके अलावा जो कर्मचारी हैं जो ब्लॉक में, पंचायतों में या राजधानी सचिवालय में काम करते हैं, तो अगर आप एक एक प्रखंड में, अगर आठ आठ प्रखंड, नौ नौ प्रखंड, एक एक प्रखंड विकास पदाधिकारी के भरोसे अगर आप चला रहे हैं, एक एक सीओ के भरोसे चला रहे हैं, है ना, तो आप गुड गवर्नेंस नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एक प्रखंड में 1000 या 1200 गांव हैं तो उसे ही आप एक पदाधिकारी को उसको संभालने में, उसको देखरेख करने में, और सारी योजनाएं जो आप यहां से भेजते हैं, आप कहते हैं आप हर घर दस्तक की बात करते हैं, आप सरकार आपके द्वार की बात करते हैं, लेकिन वो योजनाएं जो आप यहां से चलाते हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा तब जब आपके जो सक्षम पदाधिकारी हैं वो आपके अंतिम व्यक्ति तक जी वहां पर बिल्कुल वो अवेलेबल हों। तो अगर एक प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर 6 या 7 प्रखंड संभालेगा तो आप अंदाजा लगाइए कि फिर उसके उसके अंडर 6000 गांव आएंगे, तो कैसे चीजें हैंडल होंगी। और जो फिर शिकायतें मिलती हैं कि लोगों को अगर जाति आय निवास के लिए भी भटकना पड़ जाए, वृद्धा पेंशन के लिए भटक लोगों को, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। तो अगर वही पूरी नहीं हो पा रही हैं तो फिर जो आप दावा करते हैं सुशासन का या गुड गवर्नेंस का, फिर वो खोखला होता है। तो ये बहुत स्पष्ट करने की जरूरत है कि जो नीति आप बना रहे हैं अधिकारियों को चुनने के लिए, वो बहुत स्पष्ट हो और सर्वमान्य हो। जी, तो ये 3-4 सवाल जो है हाईकोर्ट ने जेपीएससी के सामने रखा है और उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल कल, आज 24 तारीख है, कल 25 है, कल भी जेपीएससी मामले में एक अहम जो है फैसला आने वाला है, क्योंकि 25 तारीख तक आपको पता होगा कि हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, और अब कल देखना होगा कि आगे क्या निर्णय जो है लिया जाता है। फिलहाल ये भी तय है कि 28 से 30 जनवरी को जेपीएससी की मुख्य परीक्षा जो है वो आयोजित होनी है। अब आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो एक अच्छी खबर यह भी है झारखंड से कि झारखंड की सविता कुमारी को राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए पिछले साल ही चयन किया गया था सविता का, और आज वो दिन था जब यह सम्मान उन्हें दिया जाना था। पिछले साल आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने सविता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की थी। सविता से आपने बातें भी की, आपने रिपोर्ट की उस पर जाकर, क्या किस तरीके से सविता का रहना है, क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से है सविता? सविता जो है वो सिल्ली से आती हैं, वहाँ पर एक टोंग टोंग नाम का गांव है, वहाँ की रहने वाली हैं वो, और उनके पिता एक गार्ड का काम करते हैं और माँ जो है वो घरेलू मतलब क्या कहें, गृहिणी गृहिणी है। वो कस्तूरबा स्कूल में पढ़ती थी और 7th-8th में पढ़ रही थी उस दौरान, 2014 के आसपास की ये बात है कि स्कूल लेवल पे आर्चरी कंपटीशन होता है, और एक संयोग ही कहा जाए कि उसने भाग लिया और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं पर उनकी निगाह किसी कोच की पड़ी और फिर उसको प्रशिक्षण देने की शुरुआत हुई। इसके बाद उसे पिक किया गया आपका 2018-19 में, एक शुरुआत हुई थी केंद्र सरकार की तरफ से कि जो सुदूर इलाके हैं झारखंड के, ग्रामीण से ग्रामीण इलाके, ना केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में, तो वहां से खिलाड़ियों को पिक करने के लिए, क्योंकि प्रतिभा थी वो पहुंच नहीं पाती थी सही मंच, तो खेलो इंडिया स्कीम की शुरुआत हुई थी। तो खेलो इंडिया स्कीम के तहत सविता का चयन किया गया और फिर दिल्ली में एक कैंप लगा और कैंप में उसे प्रशिक्षण दिया गया, वहां पर वो चौथा रैंक उसने हासिल किया। इसके अलावा वो लगातार जो है जूनियर और सब जूनियर जो आर्चरी चैंपियनशिप होती हैं उसमें वो भाग लेती रही हैं। सबसे बड़ी जो उनकी उपलब्धि है वो बांग्लादेश में एक आर्चरी चैंपियनशिप हुआ था, एशियन चैंपियनशिप जिसे कहा जाए, वहां पर गोल्ड सविता ने जीता था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में मिनी सब जूनियर कंपटीशन में स्वर्ण जीता। इसके अलावा करीब 10-12 जो मेडल हैं वो अब तक जीत चुकी हैं 2018-19 से लेकर अब तक। अब उन्हें जो है लास्ट ईयर ही 2021 में ही राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए चुना गया था। राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार क्या है ये भी जो दर्शक हैं वो जान लें कि जो बच्चे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, इनोवेशन उन्होंने कुछ किया हो, या बहादुरी के लिए कुछ किया हो, किसी की जान बचाई हो, किसी अपराधी को पकड़वाया हो, या कुछ ऐसा किया हो जिससे समाज या देश या व्यक्तित्व की रक्षा हुई हो, या फिर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत कम उम्र में बच्चे जो बहुत असाधारण उपलब्धि हासिल करते हैं उनको राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, उनको चुना जाता है, देश भर से बच्चे चुने जाते हैं।
आमतौर पर यह होता है कि जब बच्चे चुने जाते हैं तो उन्हें गणतंत्र दिवस के दिन जो राजपथ पर परेड होती है वहां पर उनको शामिल किया जाता है बकायदा, और परेड में वो बच्चे शामिल होते हैं और सलामी देते हैं। तो इनका चयन जो है सविता का लास्ट ईयर ही हुआ था, और उस समय भी 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी, और तब ये पुरस्कार होल्ड पे डाला गया था क्योंकि सरकार को ये उम्मीद थी कि अगले साल जब स्थिति बेहतर होगी तो राजपथ पे परेड के दौरान ये पुरस्कार बुलाकर। दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद ओमिक्रॉन का खतरा जो है अभी तीसरी लहर पीक पर है, तो ऐसे में फिर उसको और नहीं टाला गया, तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सविता को ये पुरस्कार दिया गया। तो निश्चित रूप से एक बहुत आम परिवार से आने वाली बच्ची, झारखंड में आप जानते हैं कि तीरंदाजी और हॉकी ये दो खेल जो जी हैं जी वो बहुत ज्यादा खिलाड़ी खेलते हैं, चुने जाते हैं। अभी हाल ही में आप अगर बात करेंगे हॉकी की तो सलीमा टेटे, निकी जी प्रधान खेल चुकी हैं, कई हॉकी खिलाड़ी जो हैं जूनियर टीम के लिए चुनी गई हाल ही में कैंप के लिए। इसके अलावा आप तीरंदाजी की जब बात कर लें तो दीपिका कुमारी हैं, कोमोलिका भगत हैं, कोमोलिका बारी हैं, अंकिता भगत हैं, ये लोग जो हैं विश्व आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड जीत चुकी हैं, दीपिका ओलंपिक के लिए गई थी। तो सविता को हम कह सकते हैं, मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे बातचीत की, तो जो बातचीत से लगा, जो अनुभव है और जो उनके कोच ने बताया कि उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत ढंग से चीज़ों को पकड़ा है और प्रशिक्षण लिया है, और जो एकेडमी है बिरसा मुंडा एकेडमी सिल्ली में है वहाँ की जो बेहतरीन टॉप की तीरंदाज हैं उनमें गिनी जाती हैं। तो निश्चित रूप से चाहे वो राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार जीतना हो या फिर तीरंदाजी में ये उपलब्धियां, और एक चीज उन्होंने जो बताई कि अभी अगले कुछ महीने में चीन में एशियन चैंपियनशिप, आर्चरी चैंपियनशिप होना है, उसकी तैयारियां कर रही हैं, वो उसके लिए चुनी गई हैं। तो ये भी झारखंड के लिए, अगर वहां से मेडल लाती हैं तो झारखंड के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी तो उपलब्धि जिस तरह से ट्राइबल क्षेत्रों से लड़कियां खेल जगत में ऊपर उठ रही हैं, क्या होगी। अगर सरकार की तरफ से उन्हें बहुत अच्छा और रिसोर्सेस दिया जाए तो नहीं लगता कि एक बड़ा नाम उभर कर और भी ज्यादा सामने आएगा? क्योंकि जिस तरह से सुमति अभी जो है उनको फुटबॉल में आप देख रहे होंगे, अभी आप सविता को ले लीजिए, तो लगता नहीं है कि और ज्यादा चांसेस मिलने से। निश्चित रूप से सरकार अगर खेलों के प्रति, जिस तरह से जब ये सरकार आई भी, हेमंत सरकार आई तो एक वादे के साथ आई थी कि सीधी नियुक्तियां जो हैं दी जाएंगी और खिलाड़ियों को लेकर प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे, हालांकि उस दिशा में कदम नहीं उठा पाए हैं उस तरह से जैसा उठाया जाना चाहिए था। क्योंकि अभी एक मतलब एक कह सकते हैं कि एक कारण भी और एक बहाना भी कोविड का है, और कोविड की वजह से जिस तरह से हमने सविता से भी बात की तो उनका कहना था कि अभी स्कूल बंद हैं पिछले 2 सालों से, तो स्कूल लेवल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो बंद हैं, क्लब लेवल कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो बंद हैं। तो एक जो दिखा है पैटर्न, ना केवल झारखंड में ही भारत में भी, कि जब खिलाड़ी अपने व्यक्तिगत संसाधनों से किसी तरह से उपलब्धि हासिल कर लेता है तो सरकार क्रेडिट लेने के लिए खड़ी हो जाती है, और तब उसको जो भी पुरस्कार दिया जाता है, जिस तरह से निकी प्रधान या सलीमा टेटे को ही आप देख लें कि जिस तरह से जी पुरस्कृत जी किया गया, तो निश्चित रूप से फिर सरकारें उसका करती हैं। पर जो जब खिलाड़ी बिल्कुल सतही तौर पर रहते हैं हाँ जब उस वक्त। शुरुआत है, जब जी उन्हें उनकी प्रतिभा को पिक करके और फिर उनको अगर ग्रूम करके आप खिलाड़ी तैयार करते हैं तो फिर एक अलग बात होती है, तो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन होता है। क्योंकि जब हम लोग बातचीत कर रहे थे कि ओलंपिक पदक की बात, जब उनके कोच से हम लोग बातचीत कर रहे थे कि ओलंपिक पदक जो है, तो उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को जो मंच है ना केवल खेल में बल्कि एक कॉन्फिडेंस को लेकर भी, कि जितनी इस तरह की प्रतियोगिताएं हैं वो बहुत सारी जीतती हैं, अच्छी उपलब्धियां हैं, लेकिन जब ओलंपिक जैसा बड़ा मंच होता है तो उस लिहाज की जो तैयारी है वो लगातार उनको नहीं मिल पाता, और कंपटीशन से कुछ दिन पहले जो सरकार होती है वो कैंपों का आयोजन करती है, लेकिन उतने से होगा नहीं। क्योंकि आप जब तीरंदाजी कर रहे होते हैं तो हवा की गति और ये सब बहुत मायने रखती है, और आपका आप किस तरह की ट्रेनिंग लगातार वैसे हालात में, मान लीजिए अगर आप ओलंपिक में चीन में खेल रहे हैं या टोक्यो में खेल रहे हैं तो उस तरह के हालात आप कैसे पैदा करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि क्रिकेट में आप देखेंगे जिस तरह की उपलब्धियां हासिल हुई हैं स्पोर्ट्स में भारत में, और क्रिकेट को जितना पसंद किया जाता है और विदेशों में जिस तरह से जीत दर्ज करते हैं, तो उसमें यह देखा गया कि उनकी जो तैयारी का लेवल होता है वो, आप जब क्रिकेट हम खेलते हैं भारत में, जो उपमहाद्वीप की पिचें पिच होती है वहां कहा जाता है स्पिनर्स का है, तो भारत के स्पिनर्स हमेशा कामयाब रहते हैं, और बहुत पहले भारत
के खिलाड़ी भारत की टीम केवल भारत में जीतती थी, पर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, इंग्लैंड को टेस्ट मैचों में हराया भारत ने। तो वो बदलाव कहाँ से आया? वो बदलाव यहाँ से आया कि जो पिच है वो उस कंडीशन की तैयार की जा रही है कि जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की पिचें होती हैं, उस तरह का माहौल तैयार किया जाता है कि वहाँ पर किस गति से हवा चल रही होगी, पिच का जो कंडीशन होता होगा वो कैसा होता जी, मतलब होगा। बहुत पहले से तेज, हाँ, तैयारी तेज करो पिचों पर कि खेलने की प्रैक्टिस बल्लेबाजों को कराई जाती है, गेंदबाज उस तेज पिच पर कैसा नियंत्रण, उसकी प्रैक्टिस। उसी तरह से तीरंदाजी में, हॉकी में, अब आप हॉकी की जब बात करते हैं तो जितनी भी खिलाड़ियों का आप इतिहास पढ़ लें तो उनकी जो एकदम शुरुआत होती है, जब तक वो चुन ना ली गई हों टीमों में, तब तक वो बांस के बने हुए हॉकी स्टिक जी से घास में खेल रही होती हैं, और फिर जब उनका चयन होता है या जब वो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल रही होती हैं, तब बिल्कुल उनको जो सिंथेटिक हॉकी टर्फ जिसको कहा जाता है, सिंथेटिक हॉकी से टर्फ पे खेलना होता है, तो उनके लिए बिल्कुल नया होता है। और आप जानेंगे कि एक समय जो भारत बेताज बादशाह कहा जाता था हॉकी का, उसका जो डिमोशन हुआ, जो खराब हुआ खेल, वो इसी वजह से हुआ क्योंकि पहले जब घास के मैदानों पर खेला जाता था भारत बादशाह था, लेकिन जैसे ही टर्फ पर खेलने की शुरुआत हुई, जो फॉरेन है के देश हैं वो हॉकी में इमर्ज कर गए और भारत धीरे धीरे डाउन चला गया। पाकिस्तान जो बादशाहत थी जिनकी, वो नीचे चला गया क्योंकि वहां पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो आप देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत की कैसे प्रदर्शन किया। वैसे ही तीरंदाजी या किसी भी खेल में, जो जब आप कोई खिलाड़ी उपलब्धि हासिल कर लेता है तब उस पर आप लाखों लुटाएं, इसकी बजाय आप उनकी प्रतिभा को पिक करें और ग्राउंड लेवल पर जो बहुत निचले स्तर से ही वो लाखों जो है आप तब इन्वेस्ट करें तो और बेहतर रिजल्ट खिलाड़ी लेकर आएंगे। जी, तो बिल्कुल, जब खिलाड़ी तैयार होते हैं यहाँ पर, मीन्स जब एक पौधा लगाया जाता है उस वक्त उसे ठीक तरीके से खाद पानी जो है वो नहीं दिया जाता, फिर वो अचानक से जब थोड़ा भी ग्रो करते हैं उसके बाद सरकार अपनी क्रेडिट लेने लगती है। लेकिन झारखंड में सिर्फ एक सलीमा या एक निकी या एक दीपिका नहीं है, ऐसे आप गांव या ट्राइबल एरियाज में जाएंगे तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, लेकिन चूंकि उन्हें बेहतर संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं इसलिए वो खेल के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अब 5 राज्यों में चुनाव होना है, उसमें से एक पंजाब भी है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन कर लिया है। पंजाब के चुनाव को किस तरह से, क्या रणनीति देखते हैं सूरज देखिए, पंजाब पंजाब चुनाव? चुनाव भी उतना ही अहम है क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान से उसकी सीमा लगती है, तो निश्चित रूप से बहुत अहम है। फिलहाल वहां पर कांग्रेस सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी वापस आने की कोशिश करेगी। जिस तरह का वहां पैटर्न रहा है, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक टर्म बीजेपी और एक टर्म कांग्रेस है। तो जिस तरह से आप कहा कि SAD जो शिरोमणि अकाली दल है वो एक संयुक्त ब्रैकेट के साथ लगता है, वो अलग पार्टी है। शिरोमणि दल अकाली दल के साथ पहले गठबंधन था लेकिन किसान के मसले पर उन्होंने तोड़ लिया जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था। तो एक SAD संयुक्त करके एक पार्टी है और पंजाब लोक कांग्रेस जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अंदरूनी कलह जो नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो विवाद बहुत लंबे समय तक चला, इसके बाद उन्होंने पार्टी में अपनी स्थिति को अपमानजनक बताते हुए इस्तीफा दिया था। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं राजनीतिक भविष्य जो है अपना तय करूंगा और जल्द ऐलान करूंगा। फिर उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से एक पार्टी बनाई अपने समर्थकों के साथ और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन उनका है। जो सीटों का ऐलान हुआ है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उन्होंने किया था और उन्होंने जो बताया है उसमें जितनी पंजाब की कुल सीटें हैं उसमें से BJP जो है 65 सीटों पर लड़ेगी। एक तरह से कह लें कि उस गठबंधन की अगुवाई, सीटों को ही आप देख लें तो BJP कर रही है। पंजाब लोक कांग्रेस को 37 सीटें दी गई हैं, इसका मतलब है कि उसके उसकी जो हैसियत है वो दूसरे नंबर की प्रभाव पार्टी के बारे में है, और SAD संयुक्त जो है वो 15 सीटों पर उनको दिया गया है। तो आप देखेंगे कि पहले मुकाबला जो जो आपने पूछा कि समीकरणों को लेकर, तो कई चीजें बदली हैं। पहली बात तो ये है कि एक टर्म जो बदलाव होता था कि एक टर्म BJP होती थी, एक टर्म कांग्रेस होती थी, लेकिन जो कृषि कानून थे 3, इसको लेकर सबसे ज्यादा जो मुखर रहा उसके विरोध में वो
पंजाब रहा, पंजाब के किसान रहे, तो पंजाब में निश्चित रूप से बीजेपी के खिलाफ एक जो नकारात्मक माहौल है लोगों में वो बना हुआ है, तो बीजेपी को उसके लिए चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो ये गठबंधन है शायद उसी की भरपाई के लिए है, क्योंकि ये कहा जाता है जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जो चुनावी समीकरणों को समझते हैं उनका ये मानना है कि जो पंजाब के शहरी इलाके हैं, जो महानगर हैं, शहर हैं, उन इलाकों पर बीजेपी की पकड़ है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो गठबंधन करने का फायदा ये हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपना जो जनाधार है, व्यक्तिगत तौर पे जो एक नेता का जनाधार होता है वो ग्रामीण इलाकों में है, और जो नाराजगी है कृषि कानून को लेके वो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में है क्योंकि किसान वहीं रहते हैं, तो उसकी भरपाई शायद वहां से करने की बीजेपी ने सोची होगी। और जो एसएडी संयुक्त है उसका भी अपना जनाधार है। पंजाब में कांग्रेस के लिए जो थोड़ी सी मुश्किल की बात ये होगी कि पार्टी पिछले 7-8 महीनों में, या कह लें कि पिछले 1 साल से ही अंदरूनी कलह से जूझती रही है, कि वहां पर दो दो अध्यक्ष हाल में बनाने पड़े थे, जी जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उनको वहां पर भेजना पड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच बहुत विवाद हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया है। तो एक जो कांग्रेस का जो जना किसी पार्टी का जब जनाधार कोई जुड़ता है तो एक किसी नेता के तौर पर भी जुड़ता है, तो जो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक होंगे वो जो एक वोट बैंक होगा वो निश्चित रूप से अब कांग्रेस से छिटक गया, वो उस तरफ शिफ्ट हो गया, तो उसका एक है। दूसरी बात है कि अभी जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटाए जाने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया, चरणजीत सिंह चन्नी दलित चेहरा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने ये सोचा होगा कि जो नुकसान हमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने से हुआ वो हम दलित वोट बैंक में सेंध लगाकर उसकी भरपाई कर लेंगे। लेकिन मसला वहां ये हो रहा है कि अब तक जो कांग्रेस पार्टी है पूरा पंजाब में वो चरणजीत सिंह चन्नी को ही बतौर मुख्यमंत्री चेहरा प्रोजेक्ट कर रही है, और पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं फिलहाल वो नवजोत सिंह सिद्धू हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू से जब ये सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो जहां तक पार्टी जो लाइन ले रही है, जो प्रचार है, उसमें यही दिखता है कि चरणजीत सिंह चन्नी है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने ये कहा कि ये मैं नहीं तय करूंगा, ना ही ये पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, बल्कि ये राज्य की जनता तय करेगी, और राज्य की जनता तय कर चुकी है कि क्या है। तो ये समझा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की अपनी महत्वाकांक्षा है कि वो अपने आप को बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जो अंदरूनी कलह हुई जिसकी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ी, वो मसला ही यही था कि नवजोत सिंह सिद्धू की महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की थी, और वो लगातार हमलावर इस बारे में थे। तो ये दो पक्ष हैं कि कांग्रेस का क्या है। तो पहले जो लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधे सीधे थी, अब ऐसी नहीं है, मुकाबला अब थोड़ा त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसमें से एक अगर मणिपुर को आप हटा दें तो बाकी जो 4 राज्य हैं, गोवा, उत्तराखंड, यूपी और पंजाब, वहां पर विस्तार जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। इसमें भी 4 राज्यों के बरक्स अगर आप देखेंगे तो पंजाब में आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से कहें कि सबसे ज्यादा ताकत वहीं झोंकी है, सबसे ज्यादा रैलियां वहां हो रही हैं। और आप पंजाब आम आदमी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी एक ही सप्ताह पहले जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वहां पर मुख्यमंत्री फेस भी अनाउंस कर दिया है। भगवंत मान जो संगरूर सीट से, लोकसभा सीट से सांसद हैं लोकसभा के, उनको मुख्यमंत्री चेहरा प्रोजेक्ट किया है, तो एक उनका अपना जनाधार जरूर होगा, तो ये ताकत है। दूसरी बात है जो आम आदमी पार्टी को जो कॉन्फिडेंस आया है, हालिया चंडीगढ़ नगर निगम के जब चुनाव हुए तो 14 सीटें आम आदमी पार्टी को आई, उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि वहां पर उनका मेयर भी बनेगा, हालांकि बाद में कांग्रेस का एक वोट विड्रॉ हो गया और बीजेपी का मेयर बना। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी जो है वो तीसरा मोर्चा वहां पर है जिसके लिए बीजेपी भी जरूर चिंतित होगी और कांग्रेस भी सोच रही होगी। तो अब जो वहां पर पंजाब की लड़ाई है वो त्रिकोणीय हो गई है, और ये गठबंधन जो है नया उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर रही है, और कांग्रेस को भी नए सिरे से चीजें सोचनी पड़ रही हैं, जिसका परिणाम ये चरणजीत सिंह चन्नी की उम्मीदवारी है। जी, तो मतलब कह सकते हैं कि कांग्रेस को इस गठबंधन का फायदा कहीं ना कहीं मिल सकता है।
हो सकता है कि उनको उस गठबंधन का फायदा भी मिले, हो सकता है नुकसान भी मिले, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर 35 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और ग्रामीण इलाकों पर अगर उनका प्रभाव है और वाकई वो काम कर गया तो ये कांग्रेस के खिलाफ जाएगा। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी किस हद तक वहां, क्योंकि चंडीगढ़ राजधानी है और वहां पर अगर वो 14 सीटें जीतती हैं तो निश्चित रूप से काम किया है वहां पर और लोगों ने सोचा है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के साथ जो फायदा है, जिस तरह से कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगता है कि वो एक पक्ष को लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, बीजेपी पर उग्र राष्ट्रवाद और उग्र हिंदुत्व का आरोप लगता है कि वो सीधे हिंदुत्व के मसले पर जाती है, तो वहां तुष्टिकरण होता है और उसका दोनों पार्टियां फायदा उठाती हैं। जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है, उसका इस तरह का कोई मसला नहीं है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जाती है, जो भी कामयाबी उसने दिल्ली के बाहर हासिल की है या दिल्ली में, उसका मुद्दा रहा है रोजगार, शिक्षा, बिजली, पानी, जो बेसिक नीड्स हैं, जो किसी भी स्टेट में आप जाकर बोलेंगे तो जनता रिलेट करेगी। इसके अलावा आज जो अरविंद केजरीवाल ने एक नए कैंपेन की शुरुआत की है कि एक मौका केजरीवाल को, इसमें उन्होंने अपने दिल्ली के लोगों से ये अपील की है कि वो वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पर डालें और दूसरे स्टेट के लोगों को बताएं कि हमें किस तरह से आम आदमी पार्टी के शासन से फायदा मिला है, अगर करती है। पर इसका कितना इम्पैक्ट होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी भी पंजाब में एक बड़ी ताकत है। और अब एक स्पोर्ट्स से खबर जरूर लेंगे हम, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है सीरीज वो खत्म हो गया है, तो आगे क्या खेल पर क्या अपडेट्स है, क्योंकि आपके पास क्रिकेट से जुड़े बहुत कलेक्शंस रहते हैं। देखिए, क्रिकेट में जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका का दौरा था तो प्रदर्शन के आधार पर और या परिणाम के आधार पर ये कहा जाएगा निराशाजनक, क्योंकि टेस्ट सीरीज दक्षिण अफ्रीका में भारत कभी नहीं जीता था। जब टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई, 3 टेस्ट मैच खेले जाने थे, तो पहला मैच जिस तरह से भारत ने जीता था तो उम्मीद थी कि इस बार चीजें बदलेंगी, लेकिन उसके बाद के अगले दोनों टेस्ट मैच हार गए। दूसरे टेस्ट मैच में तब कप्तान थे विराट कोहली, वो मौजूद नहीं थे, उसका टीम का को नुकसान हुआ, टीम हार गई। तीसरा टेस्ट मैच में जरूर विराट कोहली आए, लेकिन जो अंदरूनी चीजें चल रही हैं बोर्ड और कोहली के बीच में, उसका असर शायद दिख रहा था। कोहली टच में नहीं दिखे, जिस तरह से बल्लेबाजों से प्रदर्शन की उम्मीद थी उस तरह की नहीं हुई, गेंदबाजों ने जरूर अच्छा किया था, तो वहां पर टेस्ट सीरीज हार गए। और टेस्ट सीरीज हारने के बाद विराट कोहली ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया टेस्ट की भी, तो अब किसी भी फॉर्मेट के कप्तान वो रहे नहीं। वनडे में उम्मीद थी कि रोहित शर्मा वापसी कर लेंगे, लेकिन रोहित शर्मा जांघ में चोट, जो इंजरी है, उससे उबर रहे हैं, फिलहाल एनसीए में वो रिहैब कर रहे हैं। अब ये है सूचना कि वो फिट हैं, तो केएल राहुल को कप्तानी दी गई। केएल राहुल बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं और कप्तानी का अनुभव नहीं है, उन्होंने किंग्स, पंजाब किंग्स की कप्तानी की थी इंडियन प्रीमियर लीग में 2 सीजन, लेकिन कोई अपेक्षित परिणाम वो दे नहीं पाए। अगर उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन को हटा दिया जाए तो कप्तानी में नहीं, टीम निचले पायदान पर रही और खिताब के करीब भी नहीं पहुंची, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं किया, तो कप्तानी निष्प्रभावी दिखी, क्योंकि उससे कम मुकाबले खेले हुए जो दक्षिण अफ्रीका के कप्तान थे टेम्बा बमुमा, वो ज्यादा प्रभावी और इफेक्टिव साबित हुए, तो ये परिणाम था। तो बल्लेबाजों ने जरूर निराश किया कि टॉप ऑर्डर जो एक पिछले कुछ सालों से, जब से टीम से महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, अंबायती रायडू जैसे खिलाड़ी बाहर गए, तब से जो मिडिल ऑर्डर की परेशानी है वो दिखी, कि अगर आप धवन जो ओपनर हैं, धवन, राहुल, रोहित, विराट, रोहित तो टीम में थे ही नहीं, तो ये लोग जैसे ही आउट हो जाते हैं, अगर ये बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे, तो उसके बाद दो नए खिलाड़ी आए हैं जिनसे उम्मीद की जाती है, जैसे ऋषभ पंत, उनको बहुत वनडे में लगातार मौके मिल रहे हैं और अब तक उनका हाईएस्ट स्कोर जो है 85 रन का है, वो भी इसी सीरीज में आया है। श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया, वो भी प्रभावी प्रदर्शन करने में नाकामयाब रहे। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव को कल के मैच में मौका दिया गया, वो भी जो टीम की जरूरत है उसके हिसाब से खेलने में नाकाम रहे। एक जो सवाल हमेशा से उठता रहा है कि जो युवा खिलाड़ियों पर, एक बोर्ड पर भी ये सवाल उठता था, कोच पर, कप्तान पर, कि आप टीम के खिलाड़ियों को लगातार मौका नहीं देते, इस वजह से जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि उनके मन में असुरक्षा की भाव रहता है कि हमने इस मैच में अच्छा खेला तो पता नहीं अच्छे अगले मैच में हमें मौका मिलेगा कि नहीं। तो राहुल द्रविड़ ने कहा कि मैं वो मौका देने के लिए तैयार हूँ, वो सुरक्षा, पर आपको प्रदर्शन करके देना होगा। श्रेयस अय्यर 3 मैचों में थे, 3 में अच्छा नहीं खेला, खैर वो बीती बात हो गई, व्हाइट वॉश हो गया, 3-0 हार चुके हैं वनडे। अब जो अगला अपडेट है ये है कि अब घरेलू सीरीज होगी, वेस्टइंडीज की टीम भारत आएगी और
6 फरवरी से द्विपक्षीय सीरीज जो है भारत वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा। 3 वनडे खेला जाना है, वनडे सीरीज से ही श्रृंखला की शुरुआत होगी। इसके बाद 3 T20 है, तो उसमें रोहित शर्मा वापस आएंगे और वो ही अब स्थायी कप्तान हैं जी वनडे और T20 के। हालांकि टेस्ट के कप्तान हैं या नहीं इस बारे में अभी कोई ऐलान किया नहीं गया है, वो शायद तब ऐलान हो जब श्रीलंका टेस्ट मैच खेलने भारत आएगी। तो अभी का अपडेट यही है कि वेस्ट इंडीज के साथ 3 टेस्ट 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी और रोहित शर्मा वापस आएंगे। हो सकता है रविंद्र जडेजा लंबे समय से बाहर हैं चोट की वजह से, वो भी ठीक हैं, वो बाहर आएंगे। और कुछ जो प्लेयर्स जो अभी खेल रहे हैं, हो सकता है श्रेयस अय्यर पर गाज गिरे, उन्हें बाहर जाना पड़े। भुवनेश्वर कुमार ने अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया, उनको बाहर जाना पड़ सकता है। और रोहित अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा वापस आएंगे, ये कहा जा सकता है। जी, तो ये क्रिकेट से कुछ अपडेट्स है और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम हर एक क्षेत्र से एक एक सवाल जरूर लेकर उस पर चर्चा करें। और क्रिकेट पर छूट जाता था इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि सूरज के पास काफ़ी अपडेट्स होते हैं स्पोर्ट्स को लेकर, इसलिए हम इसे भी लास्ट में रखने की कोशिश करते हैं। और मौसम का हाल आप सबों को पता ही है कि किस तरीके से बारिश हो रही है, कोहरा है, धुंध है, तो आप सबों को सावधान रहना है मौसम से, कोरोना से भी बचाव लगातार हमें जारी रखना है, क्योंकि ये बचाव का ही नतीजा है कि धीरे धीरे केसेस जो हैं वो कम होने लगे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम बड़ी खबरों के लिए फॉलोअप के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।